दोस्तों आज रशिया ने एक कदम ऐसा चल दिया है जिसकी वजह से हर भारतीय इस बात की सोच में पड़ चुका है कि रशिया की तरफ से भारत के नंबर वन दुश्मन की इतनी भारी संख्या में मदद कैसे की जा सकती है। दरअसल पिछले महीने ही रशिया के NSA और भारत के NSA के बीच में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में अजीत डोभाल जी की तरफ से रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बोला गया था कि पाकिस्तान आपके साथ डबल गेम खेल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार यूक्रेन को BM-21 रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार शेल और बंदूकों में लगने वाली गोलियों की सप्लाई की जा रही है और ऐसा कर पाकिस्तान आपको धोखा तो दे ही रहा है, साथ में पाकिस्तान मोटा मुनाफा भी कमा रहा है और इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ये बात जब साबित हो गई थी जब यूक्रेन के सैनिकों के पास में BM-21 रॉकेट लॉन्चर देखे गए थे और साथ में यूक्रेन की सेना की तरफ से ये भी बोला गया था कि पाकिस्तान के हथियार थर्ड क्वालिटी के हैं, जिनकी वजह से हम रशिया के सैनिकों का तो इतना नुकसान नहीं कर पा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के ये हथियार हमारे सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से BM-21 रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की सेना को दिया गया था, इस रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेन की सेना के कई रॉकेट लॉन्चर की बैरल को बस्ट कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी रशिया पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है और अब रशिया की तरफ से पाकिस्तान को एक जहाज भरकर सामान भेजा गया है और ये सारा का सारा सामान पाकिस्तान के बाजारों में बिकने वाला है और जो रशिया की तरफ से ये जहाज पाकिस्तान में भेजा गया है इसमें करीब 2000 कंटेनर थे और अब पाकिस्तान की तरफ से ये भी बोला गया है कि रशिया और पाकिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की शुरुआत हो चुकी है। साथ में पाकिस्तान की तरफ से ये भी बोला गया है कि अब हम जल्द ही रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं, जिससे हमारा और रशिया का व्यापार काफी तेजी से होगा और अब इन दोनों ही देशों के बीच में पेमेंट का भी कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि रशिया की तरफ से जितना भी पाकिस्तान को सामान दिया जाएगा पाकिस्तान उसकी पेमेंट चाइनीज करेंसी में करने वाला है। और आपके लिए आज का सवाल, रशिया के इस कदम को देखते हुए क्या भारत को भी अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ अपना झुकाव ज्यादा करना चाहिए, हाँ या फिर ना, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।